हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आप देख रहे हैं टुडे ओडिशन। मैं केशव शर्मा। जैसे कि मैं हर बार की तरह वीकेंड के वार मतलब बिग बॉस 13 के ऊपर वीडियो बनाता हूं कि क्या होने वाला है, तो वीडियो थोड़ी सी लेट हो चुकी है, बट वीडियो की खबर बिल्कुल सही है। गाइस, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि बिग बॉस 13 के अंदर वीकेंड के वार में आज क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज की मैं अपडेट देने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं रोहित शेट्टी की। गाइस, इस बार बिग बॉस 13 के अंदर रोहित शेट्टी एंटर करेंगे हाउस के अंदर, पर मैं आपको बता देता हूँ गाइस, वो होस्ट नहीं करेंगे बिग बॉस को वीकेंड के बार में। बस वो सजेस्ट करने आए हैं, बस कुछ ऐसे ही अपने आप को प्रमोट करने आए हैं, अपने शो को प्रमोट करने आए हैं। इसलिए गाइस, रोहित शेट्टी गेस्ट बनकर आएंगे बिग बॉस के अंदर, बट वो होस्ट नहीं करेंगे बिग बॉस को। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही खबर है, सलमान खान ही शूट कर रहे हैं बिग बॉस को। अभी सलमान खान ने लीव आउट नहीं किया है। दूसरी गाइस, जो सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल सही खबर है गाइस, देवोलीना भट्टाचार्य को लेकर। जी हाँ दोस्तों, देवोलीना फिर से एंटर करेंगी शो के अंदर, बिग बॉस 13 के अंदर री एंटर होंगी। बिग बॉस 13 के अंदर देवोलीना भट्टाचार्य री एंटर होंगी, ये बिल्कुल सही खबर है गाइस। मैंने जैसे कि आपको बताया था विकास गुप्ता के बारे में, वो बिल्कुल सही निकली, और भी जितने भी अपडेट मैंने बताई अभी तक सभी अपडेट सही निकली थी। तो गाइस, ये भी अपडेट बिल्कुल सही है, बट मैं भी आपको बता दूं, वो गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी देवोलीना भट्टाचार्य, बस आएंगी क्योंकि उनको गेम से निकाला गया है, या फिर उनका गुड बाय कहने आएंगी कंटेस्टेंट को, और वो वापस री एंट्री नहीं करेंगी। बस बिग बॉस के अंदर वो आएंगी, कंटेस्टेंट को गुड बाय कहेंगी, अपने फ्रेंड से मिलेंगी और वो वहाँ से चली जाएंगी। बस इतना सा दिखाया जाएगा देवोलीना की एंट्री। तो गाइज, ये भी आने वाला है वीकेंड के वार में, हो सकता है नहीं तो ये सोमवार को आए। तो गाइज, ये मैंने आपको बता दी दो सबसे बड़ी अपडेट जो बिग बॉस 13 के अंदर होने वाली हैं। गाइज, आज आपको पता है सलमान खान का बर्थडे है, तो बहुत सारे फैन सलमान खान को विश कर रहे हैं। जैसे गाइज, मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट में सलमान खान को हैप्पी बर्थडे विश कीजिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, सलमान खान सर को हैप्पी बर्थडे कमेंट में आप विश कर सकते हैं। तो गाइज, ये खबर हो गई सलमान खान की। गाइज, अब आगे चलते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, जितने भी कंटेस्टेंट हैं इनको नींद भी चाहिए, खाने को खाना भी चाहिए, सब कुछ इनको चाहिए, बट इनको काम नहीं करना। कॉफी का स्टॉक इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है बिग बॉस ने, फिर भी इन लोगों को नींद आती है। रोटी इनको मल्टीग्रेन वाली चाहिए, यहाँ तक कि विशाल को चार चार रोटी खाने लगे हैं। तो ये सारी बातें हैं जो बिग बॉस के अंदर होती रहती हैं, और शहनाज गिल इन सबसे कैसे लड़ेंगे ये भी आगे देखने को बनता है। गाइज, ये थी अपडेट आज की। अगर कोई अदर अपडेट आती है तो मैं तुरंत वीडियो बना के आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ गाइज, मैं सोच रहा हूं कि आपको सबसे पहले अपडेट बताने के लिए मैंने कम्युनिटी टैब के अंदर आपको बिग बॉस से जुड़ी जितनी भी बातें होती है वो मैं आपको पहले बता दूँ, तो हमारे कम्युनिटी टैब को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और कम्युनिटी टैब के अंदर मैं इसी तरह की अपडेट आपको देता ही रहूँगा। मिलता हूँ मैं गाइज इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।